E/B = C का हर बार सवाल आ जाता है। तू एम्पलीफायर के पीछे इतना पागल हो रहे हो, पक्का पता है कि सेमीकंडक्टर से सवाल आता है लॉजिक गेट पर। कितनी मैकेनिक्स पढ़ ले तेरे को लगेगा मेरी वीक है। अरे यस और नो, आज जेई मेन में अपन बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। पूरा पढ़ाने के बाद एक लेक्चर पढ़ाया जाएगा आपको, एक या दो मैक्सिमम। आपको वो सारी प्रॉपर्टीज याद होनी, सवाल होगा E/B = C का हर बार सवाल आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख देते हैं, ओमेगा पूछ रहे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेसिक सवाल इतनी बार आ चुके हैं, जबकि उसका एफर्ट स्कोर सिर्फ दो लेक्चर का है। अरे यस और नो, मैकेनिक्स पढ़ा पढ़ा के हम आपको पागल कर देंगे, फिर भी बच्चे को तू कितनी मैकेनिक्स पढ़ ले तेरे को लगेगा मेरी वीक है। हमेशा लगेगा डरने की जरूरत, जितनी मैकेनिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा बिल्कुल करने की जरूरत। तू कितनी भी ज्यादा कर ले, रोटेशनल अगर हम ढंग से पढ़ाए तो 40 लेक्चर लगे, कितने फिर भी तुझे लगेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उसमें इतना एफर्ट डालने की जरूरत, फिर भी हम ज्यादा ही डलवा रहे हैं, फिर भी हम ज्यादा ही डलवा रहे हैं। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि हमें भी मार्केट के साथ चलना होता है, बट इन रियलिटी क्या उसमें टफनेस लेवल बहुत ज्यादा है? बहुत सुपर टफ सवाल आ जाए जो शायद 5 बच्चों से ही हो, वो मुझसे नहीं भी हो तो भी चलेगा। पर हाँ, रोटेशन में अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जो आसान सवाल जो आ चुके हैं कि भैया ये आपकी मास एम है, ये आपकी डिस्क है, बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ये सवाल आपका सही होना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, क्या मेरी बात क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम जो हम आपको कह रहे हैं, हम तो आपको कह ही रहे हैं, बट आप समझिए मैं हमारी कंस्ट्रेंट भी आपको बता रहे हैं कि आप हमको जो चैप्टर पढ़ाने हम ढंग से पढ़ाएंगे, हम उसको छोड़, पर आपको समझना पड़ेगा। हमेशा PYQs को देखिए, कितने चैप्टर से कौन से सवाल आ चुके हैं, क्या मैं खुद कर सकता हूं। जैसे जेई मेन की अगर आप बात करें तो आपको फिजिक्स में अगर बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर याद होना चाहिए, ये चैप्टर एक्स्ट्रा है। कौन कौन से? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर आप सोचो तो सेमीकंडक्टर पढ़ते हुए लोगों को 100 साल हो गए, 70 साल हो गए, और फिर भी उससे पार। पर आपके एग्जाम में 70 साल आने वाला, आप अब क्यों एम्पलीफायर के पीछे इतना पागल हो रहे हो? पक्का पता है कि सेमीकंडक्टर से सवाल आता है लॉजिक गेट पे। कहां पे आता है? लॉजिक गेट अपने को याद होना, और पीछे जो एम्पलीफायर के फॉर्मूले वो याद होने चाहिए बस।